अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीने किराम, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सोते वक्त अच्छे ख्वाब और बुरे ख्वाब देखने की दुआ। क्योंकि अक्सर लोग सोते हैं तो सोते वक्त जो है अच्छे ख्वाब भी देखते हैं और बुरे ख्वाब भी देखते हैं। अच्छे ख्वाब देखते हैं तो उसके दिल में जो है खुशी होती है, दिल उसका जो है खुश होता है और दिल व दिमाग तरोताजा हो जाता है। और बुरे ख्वाब देखने के बाद दिल गमगीन हो जाता है, बेचैन और बेकरार हो जाते हैं और परेशान परेशान नजर आते हैं। पूरी रात एक करवट दूसरे करवट लेकर के, यानी करवट बदलते बदलते जो है पूरी रात ऐसी ही गुजर जाती है। पूरी रात की नींद जो है बर्बाद हो जाती है, लेकिन नींद जो है नहीं आती है, क्योंकि ख्वाब ही जो है ऐसे देखा है जिसकी वजह से बेचैनी और बेकरारी जो है बढ़ जाती है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी दुआ बताऊंगा, ये दुआ पढ़ने के बाद जो है इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर बुरे ख्वाब जो है नहीं देखेंगे और अच्छे ख्वाब देखने की भी दुआ जो है बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। और इसी तरह से मैं आप लोगों की खिदमत करता रहूं, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं इस चैनल में लेकर आते रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। जब अच्छे ख्वाब देखें तो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करें, क्योंकि अच्छे ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, जब भी अच्छे ख्वाब देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें और फिर इस ख्वाब को लोगों में जो है बयान करें, जो आपके मुआज़्ज़ज़ है, जो आपके करीबी है, नज़दीकी है, उनको जो है ये ख्वाब बताएं। और अगर बुरे ख्वाब देखें तो बुरे ख्वाब देखने के बाद 3 मरतबा अपने बाएं तरफ जो है फुटकारें, यानी थू 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 3 मरतबा जो है करें, और उसके बाद जो है फिर ये दुआ पढ़े, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन शर्रि हाज़िहिर रुक्या। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मर्दूद से और इस ख्वाब की बुराई से। 3 मरतबा ये दुआ पढ़े, उसके बाद करवट बदल करके सो जाए। और बाज रिवायत में आया है कि यानी बिस्तर से उठें और नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज जरर को जो है दफा करता है, परेशानी को दूर करता है। क्योंकि ख्वाब जो है बुरे ख्वाब उसने देखा है तो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, बेचैन है, बेकरार है। नमाज पढ़ लेगा तो उसकी बेचैनी बेकरारी दूर हो जाएगी, डर और खौफ उसके दिल से जो है निकल जाएंगे। तो नमाज भी जो है पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर जो है सो जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला, फिर दोबारा जो है अब बुरे ख्वाब जो है नहीं देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बुरे ख्वाब जो है रात को देखे ही नहीं, तो आप जो है आयतुल कुर्सी पढ़ करके जो है रात को सोए। आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएंगे तो एक फरिश्ता जो है आपकी पूरी रात हिफाजत करेगा। तो जब फरिश्ता जो है आपकी हिफाजत करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से, तो आप जो है हमेशा हमें जो है हर तरह के मसाइब वालाम परेशानी से रात के आलम में जो है महफूज रहेंगे। तो आप जो है इस काम को जरूर किया करें। तो अच्छे ख्वाब देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, और बुरे ख्वाब देखें तो ये दुआ पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिन शर्रि हाज़िहिर रुक्या। ये दुआ पढ़ लें और फिर जो है करवट बदल करके सो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, बुरे ख्वाब से जो है महफूज रहेंगे। नाज़रीन किराम, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्त अहबाब अजीज व अकारीब रिश्तेदार में इस वीडियो को जो है शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।